नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत अगले 5 सालों के दौरान सरकारी और निजी अस्पतालों में 1 लाख आयुष्मान मित्रों की करेगी नियुक्ति। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में राज्य सरकार ने बालिका गृह का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को काली सूची में डाला। राज्य सरकार ने सूखे की आशंका के मद्देनजर कृषि विभाग के सभी कर्मियों की छुट्टी रद्द की। और आज से सावन शुरू, मंदिरों और शिवालयों में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत अगले 5 साल के दौरान सरकारी और निजी अस्पतालों में 1 लाख आयुष्मान मित्रों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 20,000 आयुष्मान मित्रों की तैनाती होगी। अगस्त महीने से प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों पर आयुष्मान मित्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कर्मी अधिसूचित अस्पतालों में मरीजों को इलाज के दौरान हर जरूरी जानकारी और सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आयुष्मान मित्रों को प्रति माह 15,000 रूपये वेतन दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में राज्य सरकार ने बालिका गृह का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्था संकल्प और विकास समिति को काली सूची में डाल दिया है। समिति द्वारा संचालित बालिका गृह और खुला आश्रय का भी निबंधन रद्द कर दिया गया है। वहीं इस मामले में 8 और लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मिल गयी है। इनमें से 5 लड़कियों में यौन शोषण की पुष्टि हुई है। दूसरी तरफ बिहार राज्य महिला आयोग की टीम ने पीड़िताओं से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। आयोग के अध्यक्ष दिलमणि मिश्र ने बताया कि आज यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। राज्य सरकार ने सूखे की आशंका के मद्देनजर कृषि विभाग के सभी कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी है। मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को गांव में कैंप कर किसानों को वैकल्पिक खेती की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि सूखे से निपटने को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को तुरंत लागू करने का संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 3 दशक पुराने इंदिरा आवासों का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। यदि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं होती है तो राज्य सरकार खुद अपनी निधि से ऐसे आवासों का निर्माण करवाएगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना सूची में छूट गए गरीब परिवारों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए और यदि जरूरत पड़ी तो इसके लिए 100% राशि राज्य सरकार देगी। श्री कुमार ने कहा कि योजना के तहत 4 महीने में आवास बनाने वाले लाभुकों और बनवाने वाले कर्मियों को प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरीय अधिकारियों के साथ वे खुद हरेक महीने आवास निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। केंद्र सरकार ने चीनी मिल मालिकों को गन्ने के रस अथवा शीरा से सीधे एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने 1966 के गन्ना नियंत्रण आदेश में संशोधन कर इसे अधिसूचित कर दिया है। सरकार के इस कदम से मिलों में अतिरिक्त समय में गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने में मदद मिलेगी। अब तक मिलों को गन्ने के रस से चीनी निकालने के बाद बची खांड से ही एथेनॉल बनाने की अनुमति थी। नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ प्रदेश के सभी सरकारी और निजी चिकित्सक आज सुबह 6 बजे से 12 घंटे के लिए काम का बहिष्कार कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार शाखा के सचिव डॉक्टर ब्रजनंदन कुमार ने कहा कि सरकार नेशनल मेडिकल काउंसिल एक्ट लाकर डॉक्टरों को बेवजह परेशान करने की कोशिश कर रही है। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने भी हड़ताल का समर्थन करते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का बहिष्कार किया है। सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा चल रही है। पटना हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में 9,900 सिपाहियों की भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञापन की नियुक्ति प्रक्रिया पर केंद्रीय सिपाही भर्ती चयन पर्षद से 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे की एकल पीठ ने 300 से अधिक रीट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पर्षद से जवाब तलब किया है। इन याचिकाओं में भर्ती प्रक्रिया में भारी और अनियमितता का आरोप लगाते हुए पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। नालंदा जिले की एक अदालत ने बिहारशरीफ में 1981 में हुए दंगों के मामले में करीब 37 साल बाद 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायालय के त्वरित न्यायाधीश रामप्रसाद अस्थाना ने बिहार थाना क्षेत्र के अलीनगर मोहल्ले में हुए दंगों के मामले में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। दोषी सुनील कहार, छोटे कहार, क्रिस्टो, ईश्वरी सिंह, नंदलाल यादव और अजय सिंह को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, जबकि लक्ष्मण राम को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। हरेक पर 10,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पटना स्थित निगरानी जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर प्रखंड स्थित हरपुर पुलिस आउटपोस्ट के तत्कालीन दारोगा त्रिलोकीनाथ ओझा को रिश्वत लेने के मामले में 4 वर्ष कारावास और 10,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं गया जिले की एक अदालत ने लोजपा नेता सुदेश पासवान और उनके भाई की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश भर में बादल छाये रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है। इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा के लिए निबंधन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। प्रदेश के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में अब लाउडस्पीकर लगाकर सुबह की प्रार्थना होगी। मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के निर्देश के बाद बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है। अमृत मिशन के तहत बिहार को पुरस्कृत किया जाएगा। शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल मिशन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के नामों की घोषणा की। दानापुर रेल मंडल में कल पहली बार महिला लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ने मालगाड़ी ट्रेन का परिचालन किया। भारतीय डाक विभाग ने पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए ढाई आखर नाम से नई प्रतियोगिता शुरू की है। पोस्टमास्टर जनरल को संबोधित पत्र के लिए थीम है लेटर टू माय मदरलैंड यानी मेरे देश के नाम खत। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2018 है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आज से राज्य जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता के पटना जोन के मुकाबले शुरू होंगे। इस जोन में पटना, अरवल, जहानाबाद और वैशाली जिले की टीमें हिस्सा ले रही हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है कोई रिश्वत मांगे तो फोटो खींच कर भेजें। दैनिक जागरण की सुर्खी है डेटा चोरी पर होगा 15 करोड़ का जुर्माना। दैनिक भास्कर लिखता है IRCTC घोटाला मामले में लालू परिवार को सम्मन पर 30 को होगा फैसला। प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है प्रदेश के बालिका गृह ही नहीं बाल गृहों में भी होता था यौन शोषण। राष्ट्रीय सहारा की खबर है बिहार शरीफ दंगा में 6 लोगों को उम्र कैद। आज की सुर्खी है 5 को छोड़ सभी जिलों में सूखे की स्थिति गंभीर। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत अगले 5 सालों के दौरान सरकारी और निजी अस्पतालों में 1,00,000 आयुष्मान मित्रों की करेगी नियुक्ति। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में राज्य सरकार ने बालिका गृह का संचालन करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को काली सूची में डाला। राज्य सरकार ने सूखे की आशंका के मद्देनजर कृषि विभाग के सभी कर्मियों की छुट्टी रद्द की। और आज से सावन शुरू, मंदिरों और शिवालयों में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।